नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कुलपति ने सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि चिंतन की प्रक्रिया अध्ययन एवं शोध से मजबूती होती है, जबकि नए फ्रंटियर्स के तलाश की प्रवृत्ति जीवन को कामयाब बनाती है। उन्होंने कहा कि माहौल जहां सीखने की दिशा बदल देती है, वहीं चुनौती को स्वीकार करने से परिणाम दुर्लभ नहीं होता। अपने संबोधन में कुलपति ने उम्मीद जाहिर की यह संगोष्ठी खासकर शोधार्थियों को कई नई चुनौतियों से पार पाने में मददगार साबित होगा और उनके विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए उत्साहित करेगा। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नीति नए शोध मानव जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए निहायत ही उपयोग है और हमें हर परिस्थिति में इस दिशा में हो रहे शोध को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने नवीनतम विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए आयोजन समिति को बधाई देते कहा कि इस तरह के सेमिनार न सिर्फ छात्रों और शोधार्थियों में विषय के प्रति जागरूकता लाता है, बल्कि इससे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भी स्वास्थ्य शोध का माहौल कायम होता है, जो शैक्षणिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विद्यालय का काम, महाविद्यालय का काम अनवरत शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहना है। उसमें जो नई विधाएं हैं उनकी खोज करना है, उन विधाओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना है, उन्हें रिसर्च के रूप में ला करके उनके विषय में चिंतन करना है और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। इस पूरे काम के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य श्री दिलीप चौधरी साहब ने इसको किया है, उनकी टीम ने इसको किया है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इसका क्या लाभ मिलेगा स्टूडेंट को, इस तरह का जो सेमिनार इंटरनेशनल सेमिनार? कपड़ा सिलने वाली दुकान तो है नहीं, 3 शर्ट बन गया, 5 शर्ट बन गया। हम मानव का निर्माण करते हैं, विद्वता का निर्माण करते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। ये बनने की प्रक्रिया 6 महीने 2 दिन की नहीं है, ये अनवरत चिंतन की प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंटियर केमिकल पर आधारित सेमिनार है। इसमें हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के अन्य विश्वविद्यालय के और विदेश से भी इसमें लेक्चर देने के लिए लोग जुड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि केमिस्ट्री को जो रिसर्च में कैसे आगे लाने है, और इस रिसर्च पेपर जितने भी लोगों ने दिए हैं एफटेक और जो भी इसमें काम होगा और जो भी वक्तव्य होगा, इसको संग्रहित करके छात्रों को आगे भविष्य में जो रिसर्च करने में पढ़ने में उनकी सफलता होगी, इन बातों के लिए ये सेमिनार आयोजित की गई। कितने डेलीगेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें टोटल पूरे बिहार से मैं समझता हूँ कि 200 लगभग डेलीगेट्स हैं, और दिल्ली, बिहार यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी और विदेशों के इसमें जो हमारे एक्सपर्टी हैं वो लोग भाग ले रहे हैं। कहाँ से, विदेश से कहाँ से? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ये सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों।